कि आईएमए का ये मैंडेट कहां से है कि वो कॉलगेट को करें या लाइफ बॉय को करें या और दर्जन भर प्रोडक्ट्स को इंक्लूडिंग पेंट को, एशियन पेंट को रिकमेंड करें कि साहब ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, मतलब कोई लिमिट होती है? आईएमए को अथॉरिटी किसने दे दी कि कोई एक पैथी वाला अपना वर्चस्व अगर रखेगा तो बाकी पैथीज को कभी जस्टिस नहीं मिलेगा? उसके पूरे देश के बजट से अकेले एम्स दिल्ली का बजट ज्यादा होता था कि अभी भी एम्स का बजट पूरे देश के आयुष के बजट से ज्यादा है। आयुष की पद्धतियों के जो प्रोटोकॉल्स जो क्लिनिकल ट्रायल के बाद प्रूव भी हो गए उनको भी आप फ्रीडम नहीं दे रहे, तो ये तो सरासर अन्याय है। उस समय चीन के जो शासक थे माओ ज़ेडुंग, उनके एडवाइजर का रूप उसको मिला, तो उसने कहा कि आपकी चीनी चिकित्सा पद्धति इतनी मजबूत है कि आपको इसको बढ़ावा देना चाहिए। तो स्टेपल्टन ने माओ को समझाया, देखिए ये एलोपैथी की लॉबी ये नहीं करने देगी, आपको कोई स्ट्रिंजेंट मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो माओ एक डिक्टेटर था, वो कर सकता था। उसने कहा कि मैं चीनी चिकित्सा पद्धति को देश के स्वास्थ्य बजट का 50% सैंक्शन करता हूं। हमारे अगले वक्ता डॉक्टर नरेंद्र नाथ मेहरोत्रा, NN मेहरोत्रा जी एम्स से PhD हैं। आपने एम्स से PhD किया और रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट और बाद में आखिर में जॉइंट डायरेक्टर के नाते वो रिटायर हुए हैं। डॉक्टर NN मेहरोत्रा वो नाम है जो मॉडर्न मेडिसिन के साथ जुड़ के जिसने रिसर्च की और जिसने सारी जिंदगी आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य परंपरा के लिए काम किया। NN मेहरोत्रा यंग साइंटिस्ट मूवमेंट के संस्थापकों में से एक रहे हैं। NN मेहरोत्रा ने एम्स को बहुत निकट से देखा है, मॉडर्न मेडिसिन को निकट से देखा है और साथ ही आयुर्वेद का भी गहन अध्ययन किया है। मेहरोत्रा साहब, मैं थोड़ा सा एक संशोधन ये करना चाहूंगा कि इस पूरी चर्चा को हम सिर्फ बाबा रामदेव और IMA और वहां तक सीमित न रखें। ये बड़ा विषय है, जैसे उन्होंने भी कहा है इस बात को, बल्कि उसमें तो मैं जब अगर वो कंट्रोवर्सी की बात आती है तो डॉक्टर हर्षवर्धन की भी जिम्मेदारी बनती है, स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते भी और एक मेडिकल डॉक्टर होने के नाते भी, IMA का मेंबर होने के नाते भी, उन विषयों को हम करेंगे चर्चा। पर मैं शुरुआत यहां से कहूंगा कि हम सरकार के सारे मोटिव्स को क्वेश्चन नहीं करते, चलो मान भी लिया जाए हम मोटिव क्वेश्चन नहीं करते। सरकार चाहती है, सरकार ने किस तरीके से भी क्या किया, पहली वेव में दुनिया के मुकाबले में हमारी सिचुएशन बेटर थी, दूसरी वेव को भी हमने कंट्रोल किया है, पर सरकार ने जहां अच्छे काम किए वहां सरकार ने गड़बड़ काम भी किए हैं। जैसे पहली वेव में ही शुरू में आयुष की जितनी चिकित्सा पद्धतियां थी उनको नॉन एसेंशियल डिक्लेयर कर दिया गया था, इन्वॉल्व करना तो दूर की बात है। और उस पर जब हमारे काफी सारे साथियों ने सवाल उठाया तब प्रधानमंत्री जी ने एक बैठक की और धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाया, कुछ वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए, कुछ स्टडीज, हमसे कहा गया आयुष को जो प्रमोटर थे कि आप जरा एविडेंस के साथ बात करिए। हम लोगों ने उस चैलेंज को, जो आयुष को प्रमोट करने वाले लोग हैं उन्होंने कहा हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं इस बात को। मैं एक बात और कहूं, सरकार ने अभी से और थोड़ा पहले से भी नीति आयोग के माध्यम से एक इशू रेज किया था जो डॉक्टर अमर सिंह आजाद ने भी रेज किया कि एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होना चाहिए, एक देश में सभी पैथीज आनी चाहिए, पर उसमें ध्यान ये रखना पड़ेगा कि कोई एक पैथी वाला अपना वर्चस्व अगर रखेगा तो बाकी पैथीज को कभी जस्टिस नहीं मिलेगा। और ये अनुभव मैंने जो अभी महेंद्र जी ने बताया एम्स में रहते हुए किया, जब मैं एम्स के यंग साइंटिस्ट मूवमेंट से शुरुआत की और जुड़ा तो मैंने महसूस किया कि एम्स जैसा इंस्टीट्यूशन भी उस समय, ये बात है 70s की, उस अकेले इंस्टीट्यूशन का बजट उस समय जो भी एक डिपार्टमेंट हुआ करता था इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन और होम्योपैथी, उसके पूरे देश के बजट से अकेले एम्स दिल्ली का बजट ज्यादा होता था। ये चलिए ठीक है तो कितना महत्वपूर्ण है, पर 70 के दशक से लेके आज 2021 तक आप सब में कितने लोगों को ये जानकारी है
कि अभी भी एम्स का बजट पूरे देश के आयुष के बजट से ज्यादा है। तो ये तो सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि एक पहलवान को आप 70 साल तक, 100 साल तक, 200 साल तक भूखा रखे हैं और उसको कहें कि भाई मैदान में उतरो और इससे लड़ो जिसको हम बराबर हलवा पूड़ी घी दूध मलाई सब खिला रहे हैं, और बराबर के मैदान पे आके लड़के जीत के दिखाओ, तब हम समझेंगे कि आप ठीक हो। तो हमारे आयुर्वेद के और आयुष की जो अन्य पद्धतियों के लोग हैं उसके बावजूद उन्होंने इस चैलेंज को स्वीकार किया और आयुष मंत्रालय में वर्किंग ग्रुप्स बने जिसमें सौभाग्य से कई एलोपैथी के भी अच्छे लोग जुड़े, जैसे जो आईसीएमआर के एक पुराने डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर वीएम कटोच, विश्वमोहन कटोच, इत्तेफाक से वो भी एम्स के ही प्रोडक्ट हैं, मेरे पुराने जूनियर साथी रहे हैं, या भूषण पटवर्धन जो उस समय यूजीसी में थे, या और भी कई लोग रहे हैं, वो लोग इससे जुड़े और उन्होंने इसको जब स्टडी करके एक पूरा साइंटिफिक तरीके से सीएसआईआर के इंस्टीट्यूशन, आईसीएमआर की लेबोरेटरीज के, बायोटेक्नोलॉजी की लेबोरेटरीज के, हेल्थ मिनिस्ट्री की लेबोरेटरीज के साइंटिस्ट को छोड़कर जब उसको स्टडी करके उसका एक हमने जो आयुष मंत्रालय ने क्लिनिकल ट्रायल्स भी किए और क्लिनिकल ट्रायल्स के रिजल्ट में जो आयुष की औषधियां, आयुर्वेद की औषधियां, योग के तरीके, यूनानी के तरीके, सिद्ध के तरीके जो पॉजिटिव निकल के आए उनको उनके सामने रखा, गवर्नमेंट ने उसको माना भी, गाइडलाइंस भी जारी की, लेकिन उस सब के बावजूद उसको बढ़ावा नहीं मिल रहा है, न उसके लिए बजटरी एलोकेशन हो रहा है। आज की तारीख में भी पूरा कोविड का मैनेजमेंट सिर्फ एलोपैथी के गाइडलाइन से ही चलेगा, सिर्फ आईसीएमआर डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन से चलेगा, ये तो गलत है। जब आपने दूसरी पैथी के कुछ क्लिनिकल ट्रायल बेस्ड डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल रैंडम जो भी फलाने एविडेंस की बात कर रहे हैं उसके आधार पर डेटा देने के बाद जब एक बात प्रूव की तो उसको तो टोटल फ्रीडम दीजिए, उसको टोटल फ्रीडम नहीं है। आज भी देश में एंडेमिक एक्ट के नाते सारा कुछ एलोपैथी आईसीएमआर डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन के हिसाब से ही होगा, कहीं एम्स कुछ गाइडलाइन जारी कर देता है वो उसी से आपस में मिलके उससे ही जारी होगा। अब उनका जरा हम हकीकत देखें तो उनकी हकीकत क्या है, शुरुआत में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से शुरुआत हुई, अमेरिका से सहित बहुत देशों ने मांगा हमसे, कोई एविडेंस नहीं था, ना कोई एविडेंस इकट्ठा किया गया, कैसे चालू कर दिया गया बिना एविडेंस के। हमसे तो आप एविडेंस मांग रहे हैं, आप तो बिना एविडेंस की चीज लगा रहे हैं, रेमडेसिविर लाई गई, फेमिसिविर लाई गई और दवाइयां लाई गई, आइवरमेक्टिन लाई गई, किसी का एविडेंस नहीं था। लैंसेट ने, दुनिया के बहुत सारे साइंटिफिक जर्नल्स ने कई बार जब उसको स्टडी करके कहा नहीं इनका तो कोई उपयोग नहीं है, तो उनसे तो आप कोई एविडेंस नहीं मांग रहे हैं और अभी भी कंट्रोल उन्हीं का है। जबकि आयुष की पद्धतियों के जो प्रोटोकॉल्स जो क्लिनिकल ट्रायल के बाद प्रूव भी हो गए उनको भी आप फ्रीडम नहीं दे रहे, तो ये तो सरासर अन्याय है, ये तो सरासर पक्षपात है। अब इस पक्षपात की शुरुआत कहां से होती है, किस पक्षपात की शुरुआत यहां से होती है कि जैसे मैंने बताया आज भी देश के स्वास्थ्य बजट का 95% से ज्यादा एलोपैथी के पास है, तो 4-5% बजट में, वो एक कहावत है अन्यथा ना लिख गया कि नंगी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या, तो वो क्या रिसर्च करेंगे, क्या आगे बढ़ाएंगे, क्या बजट लाएंगे, क्या दवाइयां तैयार करके क्या बांटेंगे, क्या उसका स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। पर उन सब के बावजूद बहुत जबरदस्त काम किया मिनिस्ट्री आयुष ने। जैसा ऊपर से शुरुआत होती है वैसा ही अधिकांश राज्य करते हैं, और एंडेमिक एक्ट में तो आपके पास छूट है, हमारे यहां गीता में तो एक श्लोक है ना, यद्यदा चरति श्रेष्ठस्तते लोकोत्तरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जैसा आचरण समाज के श्रेष्ठ लोग करते हैं, श्रेष्ठ कौन है, जो सामर्थ्यवान है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पद है, जिसके पास यश है, जिसके पास प्रतिष्ठा है, जिसके पास सब कुछ कंट्रोल में है, वो जैसा करते हैं वैसे समाज कहता नहीं ये तो सब ठीक है, यही कर रहे हैं, ये जब कह रहे हैं तो ये ठीक ही कर रहे होंगे। तो वो जो भारत सरकार कह रही है, अगर वो कहे नहीं हम भारत सरकार के स्तर पर सारी पैथीज को बराबर अपॉर्चुनिटी देंगे,
सेपरेट कर रहे हैं, एलोपैथी वाले करें, एलोपैथी वाले ये करेंगे, आयुष वाले ये करेंगे, आयुर्वेद वाले ये करेंगे, यूनानी वाले ये करेंगे, होम्योपैथी वाले ये करेंगे। इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस नीति आयोग में जो शुरू किया गया था वो जब तक नहीं हो रहा है तब तक इस सिचुएशन में तो जहां जहां हो सकता है उसको टोटल फ्रीडम। आज सिचुएशन क्या है, आयुर्वेद के और आयुष के कॉलेजेस बंद है लगभग करीब करीब, उनके ज्यादातर अच्छे डॉक्टर्स की ड्यूटी लगी है एलोपैथी वालों के साथ, डिस्पेंसरीज बंद कर दी गई है सरकारी, ज्यादातर डिस्पेंसरीज के डॉक्टर्स को एलोपैथी डॉक्टर्स के साथ अटैच कर दिया गया है, वो उनके असिस्टेंट भी नहीं बल्कि उनके वार्ड बॉय की तरह कई बार तो, या उनके नर्स असिस्टेंट की तरह उनके साथ काम करते हैं। तो ये तो सरासर जो इतनी बड़ी मैन पावर है, पिछले दिनों हम लोगों ने, सौभाग्य से मैं भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की सलाहकार समिति का सदस्य भी हूं, तो मैंने सुझाव दिया था और हमारे सचिव महोदय और लोगों ने उसको मान के आगे भी बढ़ाया कि देश में 8 लाख से ज्यादा आयुष के प्रैक्टिशनर्स हैं, 20,000 से ज्यादा बेड्स हैं, इनको आप इन्वॉल्व करिए, आपको नए बेड क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो प्रूवन है जिसके क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं, एसिम्प्टोमैटिक कॉन्टैक्ट्स, माइल्ड मॉडरेट, इनमें प्रूवन है आयुष की अगर रेजिमेन उनकी दवाइयां, तो उनको फ्रीडम दीजिए, वो करें, जहां आवश्यकता हो उसको रेफर करें। हाँ, जो क्राइसिस मैनेजमेंट है, जो क्रिटिकल केयर मेडिसिन है, वो दुर्भाग्यवश पिछले कई सौ वर्षों के रास के कारण, जो मैंने कहा कि जिस पहलवान को आप 200 साल से भूखा रखे हैं उस पहलवान से आप उम्मीद करें कि वो कुश्ती लड़ेगा दूसरे पहलवान से, तो ये संभव नहीं है, उसमें समय लगेगा। अगर आप करें तो संभवतः वो भी कर लेगा। उसका जो उमेंद्र जी ने कहा, मैं आपको उदाहरण दूंगा चीन से, चीनी जो चिकित्सा पद्धति है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, 1978 में जब स्वर्गीय राजनारायण जी ने आयुर्वेद को और आयुष किया, उस समय जो आईएसएमएनडीएच था, उनकी चिकित्सा पद्धतियों को आगे बढ़ाने का बीड़ा हाथ में उठाया था और कहा था उनको भी बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, तो उनका बहुत विरोध हुआ। और मैं उस समय एम्स में था और मुझे पता है किस तरह विक्षुब्ध होकर राजनारायण जी ने इस्तीफा दे दिया कि मैं ऐसी स्थिति में काम नहीं कर सकता, और हमारी मॉडर्न मेडिसिन की लॉबी वाले यही चाहते थे। लगभग उसी समय चीन में ये बात समझ में आई, और मेरा सौभाग्य ये रहा है कि एक व्यक्ति था जिसने उस समय चीन के जो शासक थे माओ ज़ेडुंग, उनके एडवाइजर का रूप उसको मिला, और वो एक ऑस्ट्रेलियन मॉडर्न मेडिसिन का पीडियाट्रिक्स बच्चों का डॉक्टर था, वर्ल्ड पीडियाट्रिक्स कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट था, थॉमस स्टेपलटन। और वो इत्तेफाक से जब एम्स आया और हमारी बातचीत हुई तो उसने चीन की पूरी कहानी हमको समझाई। उसने कहा, जब माओ ने मुझसे कहा कि आप देखो क्या कर सकते हैं, तो जब वो पूरे देश में घूमा तो उसने कहा कि आपकी चीनी चिकित्सा पद्धति इतनी मजबूत है कि आपको इसको बढ़ावा देना चाहिए। तो उसने कहा बिल्कुल करेंगे। तो जैसे हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री और अधिकारी कहते हैं नहीं नहीं आयुष को बढ़ावा देना चाहिए, आयुर्वेद को बढ़ावा देना चाहिए, हम देंगे, आप करिए, आगे लाइए, प्रूव करिए, एविडेंस लाइए, हम प्रमोट करेंगे, देखिए हमने आपका बजट पिछले बजट से 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ और बढ़ा दिया। अरे भाई ठीक है, 1000 करोड़ बढ़ा दिया, लेकिन टोटल बजट के मुकाबले में कितना है। तो चीन में भी लगभग यही हालत थी, और 1.5 साल तक लगभग ऐसे ही चलता रहा। तो थॉमस स्टेपलटन से जब बाद में दोबारा मुलाकात, तिबारा जब आई, तो स्टेपलटन ने माओ को समझाया, देखिए ये एलोपैथी की लॉबी ये नहीं करने देगी, आपको कोई स्ट्रिंजेंट मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो माओ एक डिक्टेटर था, वो कर सकता था। उसने कहा कि मैं चीनी चिकित्सा पद्धति को देश के स्वास्थ्य बजट का 50% सैंक्शन करता हूं, देश के बजट का 50% चीनी चिकित्सा पद्धति में खर्च होगा, एलोपैथी वालों को बाकी 50% पे काम चलाना है, वो कैसे चलाते हैं उनकी मर्जी, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। और ये जो बजट चीनी चिकित्सा पद्धति को दिया जा रहा है ये लैप्स नहीं होगा, अगर ये इस साल यूज नहीं कर पाए तो अगले साल भी ये उन्हीं के लिए रहेगा और उसके अगले साल भी। तब तो ये बड़ी सीरियस समस्या हो गई, बहुत शोर मचाया गया, एलोपैथी वालों ने बहुत शोर मचाया। माओ ने कहा कोई मतलब नहीं है, 5 साल में चीनी चिकित्सा पद्धति वाले अपना 90% बजट यूज करना भी सीख गए। उन्होंने तकरीबन 100 के करीब
एक अच्छी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की लेबोरेटरीज बनाई, दवा बनाने का सिस्टम, स्टैंडर्डाइजेशन का सिस्टम, उस पद्धति के एविडेंस जो जरूरत पड़ रही थी जहां पर उसको कलेक्ट करने का सिस्टम, उसमें जो कमियां थी उनको दूर करने का सिस्टम, दवाएं सफिशियंट मात्रा में हो, उनकी औषधियां सफिशियंट मात्रा में उगाई जा सके, ये सब पूरा खड़ा किया। और मॉडल ये रहा कि जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, उस समय तो सभी सरकारी थे, चाइना में कम्युनिज्म था तो सभी कुछ सरकार के अंदर में था, तो लगभग जितना बड़ा सेंटर एलोपैथी का होता है लगभग उतना ही बड़ा सेंटर चाइनीज मेडिसिन का होता है, लगभग जितने डॉक्टर एलोपैथी के होते हैं लगभग उतना ही स्ट्रेंथ चाइनीज मेडिसिन की होती है, ये चलता रहा। हाँ, जो डायग्नोस्टिक है, एक्सरे है, ब्लड टेस्ट है, पैथोलॉजी है, इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो कॉमन है, एलोपैथी वाले भी टेस्ट लिखते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन करके वो भी यूज करते हैं, चाइनीज मेडिसिन वाले भी करते हैं, और आज भी चीन के बजट का लगभग 35% बजट चाइनीज मेडिसिन के पास जाता है, और चीन के में चिकित्सा, चीनी चिकित्सा पद्धति से वो तकरीबन 80% सिचुएशन को हैंडल करते हैं, जो जो हमारे देश में भी है, हमारे देश में भी 90% बजट मॉडर्न मेडिसिन को मिलता है, पर ये सिर्फ 20-30% लोगों को ही चिकित्सा पद्धति का, आधुनिक चिकित्सा पद्धति जो वेस्टर्न चिकित्सा पद्धति है, इससे लाभ पहुंचा पाते हैं, क्योंकि 70% लोगों को ये उपलब्ध ही नहीं है, वो तो ये पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों और लोक स्वास्थ्य परंपराओं पर ही काम कर रहे हैं, तो वस्तुस्थिति यहां भी वही है, पर मलाई सारी वो खा रहे हैं, तो इसको बदलना पड़ेगा, इसको बिना बदले आत्मसम्मान नहीं आएगा, शिक्षा पद्धति नहीं बदलेगी। हाँ, तो अभी करना क्या पड़ेगा कि सबसे बड़ी जो बात है कि इस कोरोना की सिचुएशन में कम से कम गवर्नमेंट को हमें ये कहना पड़ेगा कि भाई आप इसको अलग करिए और इंडिपेंडेंट दीजिए। पर मैं नॉर्मली जब मैं बात करता हूं तो मैं शुरुआत करता हूं कि हम क्या कर सकते हैं, हम शुरुआत वहां से करें, और सौभाग्य से हमारे देश में परंपरा भी वही है कि हम शुरुआत करते हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो हमारे जो लोग आयुष के समर्थक हैं वो तो काढ़े पीते ही हैं, वो तो आयुर्वेदिक और आयुष की औषधियों का प्रयोग करते हैं, चाहे वो तमिलनाडु में कावाकुडिनीर दिया जाए या और जहां जो कुछ भी दिया जाए, या गुजरात में कहीं होम्योपैथिक दवा तो कहीं बाहर आयुर्वेदिक काढ़ा, या मध्य प्रदेश में, और बहुत बड़ी संख्या के एलोपैथिक डॉक्टर भी इसका सेवन करते हैं। इस पे जो डेटा निकल के हमारे यहाँ आया उसमें दिल्ली के 80,000 पुलिस वालों के साथ एक डेटा इकट्ठा किया गया, उनको आयुर्वेद की कुछ दवाएं दी गई और पाया गया कि उनमें बीमारी का प्रतिशत सिर्फ 0.5 था, जबकि बाकी पुलिस वालों में और बाकी समाज में 5% से ज्यादा था, मतलब 10 गुना ज्यादा था। तो जो आयुर्वेद के काढ़े और जो आयुर्वेद की दवाएं दी गई उन 80,000 पुलिस वालों को, उसने 90% फायदा किया, 10 गुना ज्यादा नुकसान हो रहा था बाकी लोगों को, 10 गुना कम हुआ। पटेल, एक सरदार पटेल के नाम से एक बड़ा कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है दिल्ली में, जहां करीब 10,000 मरीज हैं, रहते हैं। उन 10,000 मरीजों को एलोपैथी के साथ साथ काफी हद तक सभी को, जो आयुर्वेद के और जो योग के सारे रेजिमेंट थे कि जो दवाइयां देना, हल्दी वाला दूध पिलाना, योग करवाना, प्राणायाम करवाना, सब करवाना, वहां एक भी डेथ नहीं हुई, वहां के डॉक्टर्स भी इन्फेक्टेड नहीं हुए, वहां के मेडिकल वर्कर्स भी इन्फेक्टेड नहीं हुए। तो ये क्या कम एविडेंस है? जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है उन्होंने ट्रीट किया, उनका डेथ रेट सामान्य हॉस्पिटल्स के डेथ रेट का 1/10 है, उनके एक आधे डॉक्टर इन्फेक्टेड हुए, उनके अलग इश्यूज थे, उसको विस्तार में नहीं जाऊंगा। तो आपके पास कितने एविडेंस की है? उस एविडेंस के बावजूद भी जो 30,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए सिर्फ वैक्सीन के लिए, जो आयुष में इम्यूनिटी बूस्टिंग के तरीके हैं, जो वैक्सीन ही है, वैक्सीन क्या करती है? वैक्सीन तो स्पेसिफिक कर रही है और हर बार होस्ट बदलेगा, वो इन्फेक्टिव एजेंट बदलेगा, इम्यूनिटी कैसे काम करती है? मैं बेसिकली इम्यूनोलॉजी का आदमी हूँ, मैंने एम्स में 15 साल इम्यूनोलॉजी की रिसर्च की है और मैं जानता हूँ कि जब इम्यून सिस्टम काम करता है तो होस्ट, जो मनुष्य का शरीर है या कोई भी जानवर है या कोई भी है,
वो कितना सक्षम है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी है, जिसको आयुर्वेद में ओजस कहते हैं, और पैथोजन जो बीमारी का कारण है वो कितना शक्तिशाली है। तो अगर आपका होस्ट मजबूत है, उसकी इम्यूनिटी मजबूत है, तो पैथोजन कोई भी आ जाए कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उसको। तो आज एक वायरस है, कल दूसरा स्ट्रेन आए, परसों तीसरा स्ट्रेन आए, चौथा स्ट्रेन आए, दसवां स्ट्रेन आए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर आपने उसकी इम्यूनिटी अच्छी करके रखी हुई है, उसकी इनेट इम्यूनिटी अच्छी है। जिनकी कमजोर है उनको आपने आयुष पद्धतियों से उनकी इम्यूनिटी बढ़ाई है। तो अगर आप ये कर रहे हैं तो उस 30,000 करोड़ में से आप 10,000 करोड़ रुपए क्यों नहीं दे सकते हैं आयुष पद्धतियों से इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए लोगों की, जो माइल्ड और मॉडरेट को बढ़ाने की। तो हमारे लोग तो कर रहे हैं, हमारे लोग तो आयुर्वेद के छोड़िए, जो एलोपैथी के डॉक्टर हैं, मेरी जानकारी में कम से कम 30-40-50% एलोपैथी के डॉक्टर भी आयुर्वेद की दवाओं का इनका सेवन करते रहे इस दौरान में। और इसके बहुत सारे एविडेंसेस, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, अलग से कर सकते हैं। तो हम तो कर ही रहे हैं, अब समाज का बात है। देखिए समाज कैसे काम करता है, हम काम करते हैं तो समाज उसके हिसाब से काम करता है। और खास करके जैसे मैंने यद्यता चरित का जो उदाहरण दिया आपको, ऊपर से जो आता है, सरकार कह रही है, माई बाप कह रहे हैं, मालिक कह रहे हैं, हमारे यहाँ तो राजा को भगवान का रूप मानते हैं, तो जो राजा साहब कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं साहब, मानिए इसको। तो आप राजा साहब कहें ठीक है, आयुष वाले अपना अलग इलाज करेंगे, उनके लिए ये लिमिटेशन है कि भैया आप कॉन्टैक्ट को करो, एसिम्टोमेटिक को करो, माइल्ड को करो, मॉडरेट करो, कोवेलेसेंट जो उनको करो उतना तक ठीक है, आप एडवांस सीवियरिटी जैसे ही बढ़े उससे पहले आप रेफर कर दो, या उसके और तरीके हो सकते हैं, इंटीग्रेटेड के बारे में बात की जा सकती है। मैं इंटीग्रेटेड पे एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, आई होप आई कैन टेक टू मोर मिनट्स। मेरे एक मित्र दंपति हैं, एलोपैथिक डॉक्टर हैं कासरगोड में, उन्होंने फील पाँव, जो सभी लोग समझते होंगे, जो पाँव फूल जाता है फाइलेरियासिस के कारण, जिसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, दुनिया में कोई इलाज नहीं है, सर्जरी करते फिर फूल जाता है, उसका इंटीग्रेटेड इलाज उन्होंने डेवलप किया, जिसमें वो, ये दोनों दंपत्ति एलोपैथी के डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, ये आयुर्वेदाचार्य को, योगाचार्य को, होम्योपैथ को, सबको साथ में जोड़ के उसका ट्रीटमेंट का मॉड्यूल जो डेवलप किया है, वो ऐसा मॉड्यूल है जिससे वो 10-15 हजार मरीजों को ठीक कर चुके हैं। और दुनिया भर के जो एक्सपर्ट हैं इसके, जो फील पाओ के या बाकी भी जो लिम्फ की एडिनोपैथी होती है, उनके जो दुनिया के एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि इससे अच्छा प्रोटोकॉल दुनिया में हो ही नहीं सकता। तो दुनिया के देश मान रहे हैं इंटीग्रेटेड पैथी से। पर उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वहां पर जितनी शक्ति, जितनी ईमानदारी से इंपॉर्टेंस एलोपैथी वाले को, उतनी आयुर्वेद वाले को है, उतनी योग वाले को है, उतनी ही होम्योपैथी वाले को है। किसी को छोटा बड़ा मान के काम नहीं होता है। तो इंटीग्रेटेड सिस्टम तभी काम करेगा जब सबको बराबर का लेवल देके आप काम करेंगे। तो मेरा जो मानना है कि हम क्या कर रहे हैं, समाज क्या कर रहा है, और सरकार से जो हम डिमांड करें, सबसे पहली डिमांड कि आप ऑटोनोमस करिए, इसका बजट बढ़ाइए। नीति आयोग ने, इसके पहले ताने कमीशन ने कई बार कहा है कि भाई आपकी पॉलिसी कह रही है कि कम से कम 10% बजट होना चाहिए और वो आगे बढ़ना चाहिए, तो आप 10% बजट तो कर दीजिए, भारत सरकार का जितना बजट है उसका 10% करिए, और बाकी प्रदेशों को रिक्वेस्ट करिए कि भाई कम से कम 10% बजट तो आप आयुष वालों को दीजिए, तो उनके पास जो फैसिलिटीज है उसको बढ़ाएं, जो दवाइयां चाहिए लोगों को बांटें, और उसका उसको डॉक्यूमेंटेशन करेंगे वो। उनके पास मैन पावर ही नहीं है, उनके पास दवाइयां ही नहीं है, उनके पास फैसिलिटीज ही नहीं है। तो हम सरकार से ये डिमांड करें, उसके लिए कैंपेन करें। जहां तक ये बाबा और हर्षवर्धन जी के और IMA के कॉन्ट्रोवर्सी का सवाल है, उसमें मैं काफी हद तक आजाद साहब से सहमत हूं कि ये पैथी का सवाल नहीं है, ये उसके प्रैक्टिस करने वाले हों, और प्रैक्टिस करने वाले ऐसा नहीं कि आयुर्वेद में गड़बड़ नहीं है, कि आयुष पद्धतियों में गड़बड़ प्रैक्टिस वाले लोग नहीं है। तो जो जो वहां गड़बड़ कर रहे हैं उनके ऐसा है, उनके विरुद्ध भी सरकार को काम करना चाहिए, जो एलोपैथी बारे उनको भी काम करना चाहिए। पर हर्षवर्धन जी को अधिकार तब बनता है बाबा रामदेव से कुछ कहने का, जब वो IMA की प्राइमरी मेंबरशिप से रिजाइन करें और कहें कि IMA गलत है, IMA ने बहुत गलत काम किए हैं, इसलिए मैं IMA की प्राइमरी मेंबरशिप से रिजाइन करता हूं, और IMA को भी कटघरे में खड़ा करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपनी बात फिलहाल यही रुकूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अच्छा बस एक बात, IMA किन किन जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनको रिकमेंड करता है, वो आप जरा आधे मिनट में बता देंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए, वो तो काफी लोग कह रहे हैं उस बात को
कि आईएमए का ये मैंडेट कहां से है कि वो कॉलगेट को करें या लाइफ बॉय को करें या और दर्जन भर प्रोडक्ट्स को इंक्लूडिंग पेंट को, एशियन पेंट को रिकमेंड करें कि साहब ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, मतलब कोई लिमिट होती है? आईएमए को अथॉरिटी किसने दे दी? और ये इतना इलीगल काम कर रहे हैं, उस इलीगल काम के खिलाफ सरकार ने क्या एक्शन लिया है? हर्षवर्धन जी ने क्या एक्शन लिया है? लीगल नोटिस क्यों नहीं दे रहे हैं? उनको उनको कोर्ट में क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं? उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बहुत आवश्यक है, ये एब्सोल्युटली अनएथिकल है। और एज एन ऑर्गेनाइजेशन आप अनएथिकल काम कर रहे हैं, आप एज एन इंडिविजुअल अनएथिकल काम करते हैं। अगर कोई बाबा रामदेव एज एन इंडिविजुअल कोई अनएथिकल काम करते हैं तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन अगर कोई आयुर्वेद महासम्मेलन या कोई आयुर्वेद का संगठन या कोई यूनानी का संगठन अनएथिकल काम करता है तब तो बहुत सीरियस मामला है। तो ये संगठन अनएथिकल काम कर रहा है, ये तो एक व्यक्ति के अनएथिकल से कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसके खिलाफ तो सीवियर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको बैन करना चाहिए। आप दुनिया भर की एसोसिएशन को बैन कर रहे हैं, वो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो गलत काम कर रही है। पिछले दिनों में 10,000 से ज्यादा वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है। आईएमए का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कैंसिल होता है? अगर इस तरह के काम कर रहे हैं उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए, सुनिए, फॉलो द ड्यू प्रोसेस, और अगर वो दोषी है तो उनका उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए जिन लोगों ने गलत काम किए। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी बात, डॉक्टर हर्षवर्धन देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, आईएमए के और एलोपैथी के स्वास्थ्य मंत्री नहीं है। न्यूट्रल रहना होगा और आईएमए से उनको इस्तीफा देना चाहिए, सीधी बात है।